हाल के कुछ दिनों में दुनिया भर में इंटरनेट सेवाएं बंद करने की प्रक्रिया में तेजी देखी गई है। इस मोर्चे पर भारत की क्या स्थिति है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस वक्त धारा 370 हटाई गई थी और प्रशासनिक बदलाव किए गए थे, तब वहां पर कई दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया गया था। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद किए गए। हालांकि ऐसा पहले कभी कभी देखने को मिलता था, जो अब आम हो गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सरकारों के द्वारा इंटरनेट बंद क्यों किया जाता है और इसके लिए सरकार के पास कौन से कानूनी अधिकार हैं। सामान्य परिस्थितियों में इंटरनेट भी सामान्य तरीके से चलता रहता है, परंतु सरकार का यह तर्क है कि जब कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका होती है तो इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। हाल के समय में देखा गया है कि किसी सांप्रदायिक या राजनीतिक तनाव की घटना में इंटरनेट पर मौजूद मैसेजिंग एप्स या सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाई जाती है। इसमें हिंसा करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने और दूसरी तरह की हिंसक गतिविधियां शामिल होती हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए सरकार द्वारा इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष कारोबार के नुकसान तथा लोगों के सुविधाओं से भी जुड़ा हुआ है, जिस पर सरकारें विचार करने में विफल नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं इसके कानून की। भारत में इंटरनेट सेवाएं रोकने के लिए अभी दो कानूनी प्रावधान हैं। पहला इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 तथा दूसरा पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। इसके आधार पर ही सरकारी एजेंसियां भारत के जिलों या राज्यों में इंटरनेट बंद करने के फैसले करती हैं। भारत में इंटरनेट बंद करने के फैसले इतनी बार लिए जा रहे हैं कि इस मामले में भारत अब दुनिया में सबसे पहले स्थान पर आ चुका है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 से 2019 तक किसी न किसी कारण से भारत सरकार ने 367 बार इंटरनेट बंद किए। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि वैश्विक तौर पर भारत और म्यांमार ने साल 2020 में सबसे ज़्यादा दिनों तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया है। यह दूसरा साल है जब भारत में इतने लंबे दिनों तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके आर्थिक मोर्चे पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। इंटरनेट बंद से लोगों को अपने दैनिक काम में मुश्किलें होने के साथ साथ भारत को आर्थिक तौर पर $2.8 बिलियन यानी करीब 17,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। अगर राज्यों के अनुसार भारत में इंटरनेट बैन करने की स्थिति को देखें तो इसमें जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 251 बार इंटरनेट सेवाएं रोकी गईं, जो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद राजस्थान का नंबर है, जहां पर 72 बार इंटरनेट सेवाएं रोकी गईं। इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 29 और हरियाणा में 15 बार इंटरनेट सेवाएं रोकी गई हैं।